हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। इस चीज़ को बालों में लगाएं, बाल हो जाएंगे हमेशा के लिए जड़ से काले। सफ़ेद बालों की समस्या दोस्तों बढ़ती ही जा रही है। टीनेजर्स के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं और इसे हम कहते हैं प्री मेच्योर हेयर। दोस्तों, बालों के सफ़ेद होने का कारण कुछ तो पॉल्यूशन है, कुछ तो हीट है, कुछ तो सन की जो यूवी रेज होते हैं और जब वो डायरेक्ट हमारे हेयर पर पड़ते हैं, हमारे स्कैल्प पर पड़ते हैं, तो हमारा स्कैल्प जो होता है वो ड्राई हो जाता है और बालों में सफ़ेदी आना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा हम बनाने वाले हैं ये आपके सफ़ेद हेयर को फिर से काला बनाने में मदद करेगा। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले लेनी है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। आप इसको अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं और अगर आप इसको नहीं ले पा रहे हैं लोकल मार्केट से, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जहाँ भी ढूंढेंगे ये जो कैस्टर ऑयल ये है आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक क्लीन बाउल लेनी है और उसमें आपको 2 चम्मच जितना कैस्टर ऑयल ऐड कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नहीं बनानी है, क्योंकि ये जो ऑयल हम बना रहे हैं ये जस्ट 15 दिनों के लिए है और ये जो रेसिपी आपको लगानी है हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगानी है। और आपको इसको बिल्कुल जड़ में लगानी है, अपनी जो स्कैल्प होती है, जो बालों की जो रूट होते हैं, बिल्कुल वहीं पे लगानी है आपको। आपको नेक्स्ट यहाँ पे लेनी है लेमन। लेमन आप देख सकते हैं, लेमन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आपको लेनी है एक लेमन, उसको कट कर लेनी है और इसका जो बीज है उसको आपको निकाल लेनी है, क्योंकि बीज जो होते हैं ये बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। तो गाइस, लेमन जो होता है ये हमारी स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो गया होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी स्कैल्प, अगर इन्फेक्शन हो गया होता है तो वो भी एक वजह होती है हमारी बालों की टूटने की। अगर हमारा स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया होगा तो हमारी बाल टूटने लगेंगे और सफ़ेदी आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पर 1 चम्मच जितना लेमन का, 1 से 2 चम्मच जितना लेमन का जूस ऐड कर लेनी है और फिर इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। लेमन का जूस जो है ये हमारी बालों को मजबूती देता है, हमारी स्कैल्प में जो इन्फेक्शन वगैरह हो गया होता है उसको रिमूव करता है, हमारी स्कैल्प को क्लीन रखने में हेल्प करता है। अगर स्कैल्प क्लीन रहेगा तब जाके हमारी बालों की समस्या जो है वो दूर होंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मेन इन्ग्रीडियंट है जॉनसन्स बेबी ऑयल। आप यहाँ पे कोई सा भी बेबी ऑयल ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि जॉनसन्स बेबी ऑयल, तो मेरे पास यही बेबी ऑयल था तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास कोई और ब्रांड का बेबी ऑयल है तो आप उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेबी ऑयल में केमिकल बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे अगर आपकी बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आपको अपनी बालों के लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, जहाँ पे बिल्कुल भी केमिकल्स ना हो वैसी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। अगर उसके ऊपर आप फिर से केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी बाल काला होने की वजह फिर से सफ़ेद होने लगेंगे। तो आपको यहाँ पे बेबी ऑयल 1 चम्मच जितना ऐड कर लेनी है और फिर इन सबको मिक्स कर लेनी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मिक्स हो जाने के बाद ये बिल्कुल लगेगा नहीं ऑयल की तरह, चिपचिपा नहीं लगेगा आपकी। आप जब इसको बालों में लगाएंगे, अपने हेयर रूट में लगाएंगे, तो आपको लगेगा नहीं कि आपने ऑयल वगैरह लगाया हुआ है। और इसका और एक बेनिफिट ये है कि जब आप इसको लगाएंगे आपकी बाल जो है बिल्कुल शाइनी लगने लगेगा, आपकी बालों में शाइनी आ जाएगी, जो ड्राई बाल हो गए होते हैं, फ्रीजी हेयर हो गए होते हैं, ये सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये अंदर जाके आपकी बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मजबूती देगा, आपकी बालों को अंदर से पोषण देगा, जिसकी वजह से आपकी बाल जो है फिर से शाइनी हो जाएंगे। तो गाइस, आपको इसको लगाना कैसे है, आपको इसको अपने जड़ों में, अपने हेयर जो होते हैं हेयर रूट में, बिल्कुल जो स्कैल्प होते हैं बिल्कुल वहीं पे मसाज करते हुए लगा लेना है और इसको अपने हेयर में 1 घंटे तक छोड़ देना है। अगर आप 1 घंटा नहीं छोड़ना चाहते या फिर डे टाइम में नहीं लगाना चाहते तो बिल्कुल रात भर लगा कर इसको अपने हेयर में छोड़ दीजिए और सुबह अपना हेयर वॉश कर लीजिए। और हफ्ते में आप इसको 2 से 3 बार आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपकी जो सफ़ेद बालों की समस्या है ये बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आपकी सफ़ेद बाल कहाँ गायब हो गए हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो हेयर आपके सफ़ेद होने वाले होंगे उनको फिर से ये काला बनाएगा, सफ़ेदी तक जाने ही नहीं देगा। धीरे धीरे आपकी बाल जो है वो फिर से काला, घना और मजबूत हो जाएगा। ये सिर्फ आपके सफ़ेद बालों को ब्लैक नहीं करेगा बल्कि आपकी बालों को मजबूती देगा, आपकी बालों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। सो आई होप गाइस ये जो वीडियो है आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।